हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सबको बता दूं, मैं हूं अनामिका और मैं लेकर आती हूं ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपको पार्लर कोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल फ्री में घर बैठे पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे मेकअप की भी वीडियोज लेकर आती हूँ जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप सीख सकते हैं। और आज जो हमारा वीडियो है वो ऑफ कोर्स रिलेटेड टू मेकअप ही है, बिकॉज मेकअप में ब्रशेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल जो आपके रेंज में आता है उस ब्रशेस के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एक एक ब्रशेस के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन्हें मेकअप में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये है ज़ोविया के ब्रशेस, जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं पर भी मिल जाएंगे। और पहले बता दूं कि बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं खुद यूज करती हूँ अपने ऊपर, इवन अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं आप सबको पता ही है, जिनको नहीं पता उनको भी बता दूं मैं कि मेरा खुद का स्टूडियो है, तो मैं वहां पर भी जब मेकअप करती हूँ तो कई सारे ब्रशेस में इनसे भी यूज करती हूँ। अब कई सारे मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रशेस अलग से लेते रहते हैं और एक हमारा अलग से ही ब्रशेस बन जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप खुद का मेकअप करना पसंद करते हैं या आपका खुद का पार्लर है और आप कन्फ्यूज हैं कि आप एफोर्डेबल प्राइस में कौन से ब्रशेस ले सकते हैं, तो ये ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। ये मैं खुद भी यूज करती हूँ। इसके अलावा इन ब्रशेस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत सारे 15 ब्रशेस आते हैं इसमें आपको आई शेडो ब्रशेस भी मिलते हैं, इसके अलावा फेस के लिए भी मिलता है। और एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये पाउच फॉर्म में आते हैं, तो आपके ब्रशेस कभी भी इधर से उधर यानी कि खोते नहीं है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हाथ में मेरे हाथ में जितने भी आप ब्रशेस देख रहे हैं ये थोड़े से आप देख सकते होंगे थोड़े फ्लफी हैं, और ये वाले ब्रशेस जितने भी आप देख रहे होंगे थोड़े स्मॉल दिख रहे होंगे आप लोगों को। और इनके जो ब्रशेस हैं ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, सिंथेटिक ब्रशेस हैं। इसके अलावा मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि ब्रशेस आप कैसे यूज कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि हो सकता है कि आप इस कंपनी के ब्रशेस यूज ना कर रहे हो और हो सकता है कि आप दूसरे ब्रशेस को यूज कर रहे हो, तो ये वाला जो वीडियो है इसमें आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि किस कौन सा ब्रश किस काम आता है। तो अगर आप इस कंपनी के भी ब्रशेस यूज नहीं कर रहे हैं, किसी और कंपनी के करना चाहते हैं, तो आपको इस वाली वीडियो से ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम पर्टिकुलरली कौन सा ब्रश किस मेकअप के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फ्लैट ब्रश, अब ये जो फ्लैट ब्रश है आप इनको ऑफ कोर्स ये आपके जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, बट इसको आप जब आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं तब भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जब आप प्राइमर अप्लाई करते हैं तब भी आप इस फ्लैट ब्रश को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि किस तरीके से आप मेकअप ब्रशेस को यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें आप सेम कंसीलर जब आप यूज करते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर या अपने ऊपर, तब भी आप चाहें तो इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं अंडर आई एरिया पर, ब्रिज ऑफ द नोज पर या फिर जॉ लाइन के ऊपर। और ऑफकोर्स जब आप कलर करेक्शन करते हैं तब भी आप इस छोटे से जो फ्लैट ब्रश है इसको आप यूज कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली जब आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे होते हैं या कलर करेक्शन कर रहे होते हैं या फिर जब आप कंसीलर अप्लाई कर रहे होते हैं तब आपको इस तरीके की एक फ्लैट ब्रश की जरूरत होती है। अब चूंकि फ्लैट ब्रश की बात चल रही है तो यहां पर मैं आपको एक स्मॉल ब्रश और दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये भी आप देख रहे होंगे, लेकिन ये इसका जो साइज है और इसका साइज आप देख सकते होंगे कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है। ये जो होता है पर्टिकुलरली जब कई बार क्या होता है कि अंडर आई एरिया पर किसी के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हैं, तो जब आप इस वाले ब्रश से लगाएंगे यानी कि जब बड़े वाले ब्रश से लगाएंगे ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छे से ना अप्लाई हो, तो लेकिन जब आप इस तरीके से छोटे फ्लैट ब्रश से अप्लाई करते हैं यानी कि जब कलर करेक्ट करते हैं स्मॉल फ्लैट ब्रश से, तो काफी अच्छे से अंडर आई एरिया पर या फिर नोज के इस कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। तो आप इन दोनों को कलर करेक्शन और फाउंडेशन या फिर कंसीलर के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हल्का सा आप इसमें देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा फ्लफी टाइप का है, तो इसको आप ट्रांसल्यूशन पाउडर को अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रांसल्यूशन पाउडर को जब हम डस्ट ऑफ करते हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है उसको जब आप हटाते हैं फेस से, उस पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लफी है तो बहुत अच्छे से कोई भी एक्स्ट्रा पाउडर अप्लाई हो गया है तो वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है आपके फेस से। इसके अलावा आप इस ब्रश को
चाहे तो ब्लशर, जब हम ब्लशर अप्लाई करते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो फ्लफी ब्रश होते हैं, कहने का मतलब यह है कि इस तरीके के जो जितने भी फ्लफी ब्रश होते हैं उनको आप फेस पे से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उनको हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जब आप ब्लशर अप्लाई कर रहे होते हैं उस पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा जो आपको और ज्यादा इसमें जितना भी फ्लफी है वो फ्लफी आप देख सकते होंगे ब्रश है, फ्लफी ब्रश अगेन ब्लशर यूज करने के लिए, एक्स्ट्रा पाउडर को हटाने के लिए। और ये जो होता है बेसिकली जो इतना ज्यादा फ्लफी ब्रश होता है ये बेसिकली जब आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं कर रहे हैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, तो आप इस तरीके के फ्लफी ब्रश को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको हमेशा जो मैंने हमेशा, आपने अगर मेरे मेकअप के जितने भी वीडियोस हैं उसमें देखे होंगे, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जितनी भी बार आप फाउंडेशन को ब्लेंड करें बहुत ही अच्छे से टाइम लेकर करें, क्योंकि मेकअप में ब्लेंडिंग इज द की। और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से फैमिलियर नहीं है कि आपको नहीं आता है कि किस तरीके से आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें फाउंडेशन, तो आप इस तरीके के फ्लफी ब्रश को लेकर अच्छे से सर्कुलर मोशन में फाउंडेशन को अगर लगाने के बाद जब आप सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो बेसिकली दिस इज द ब्लेंडिंग ब्रश, आप इसको एज अ ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर सकते हैं। बट अगेन ये वाला जो ब्रश होता है वो अगेन ब्लशर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप मेकअप में बहुत अच्छा करने लगते हैं तो बहुत सारे जो ब्रशेस होते हैं अलग अलग तरीके के, उनको आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश है जो कि काफी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है गाइस, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पे बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रहती हूँ। एनीवेज, तो मैं इस ब्रश के बारे में आपको बता रही थी। तो ये जो ब्रश है ये आप देख रहे होंगे यहाँ से हल्का सा फ्लैट है, इसको हम कंटूरिंग ब्रश बोलते हैं। इस ब्रश की खासियत मुझे यही लगी क्योंकि बहुत सारे ब्रशेस में ना कंटूरिंग ब्रशेस नहीं आते हैं। अगर आप किसी भी ऑनलाइन साइट में देख रहे होंगे तो बहुत सारे ब्रशेस में कंटूरिंग नहीं आती है, बट इस वाले ब्रश में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन वाले ब्रशेस सेट में मुझे कंटूरिंग ब्रश भी मिला। कंटूरिंग बेसिकली जब भी आप ब्रॉन्जर यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं चीक बोन्स को अपलिफ्ट करने के लिए और नोज को शार्प दिखाने के लिए, तो बड़े ही अच्छे से ये अप्लाई होता है। तो बेसिकली दिस इज अ कॉन्टोरिंग ब्रश और आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं ब्रॉन्जर की हेल्प से, इस तरीके के कॉन्टोर के कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पर अभी मैं जितने भी बड़े बड़े ब्रशेस थे उनके बारे में बता रही थी। इस तरीके का अगर आपके पास है, इसको हम फैन ब्रश बोलते हैं। फैन ब्रश हमेशा हाईलाइट, जो भी आप हाईलाइटर यूज करते हैं उसके काम आता है। और हाईलाइट आप ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जब भी हम हाईलाइटर अप्लाई करते हैं तो हमेशा चीक बोन्स के ऊपर, उसके बाद ब्रिज ऑफ द नोज पे, हल्का सा चिन पर, हल्का सा फोरहेड पर अप्लाई करते हैं। तो फैन ब्रश जो होता है बेसिकली होता है फेस को हाईलाइट करने के लिए। तो ये वाला जो ब्रश होता है ये एक ही चीज के लिए काम आता है, जो कि है हाईलाइटिंग जोन को अपलिफ्ट करने के लिए। नाउ अब आ रही है हमारे स्मॉल ब्रशेस के बारे में बात करने के लिए। ये जितने भी ब्रशेस आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे स्मॉल ब्रशेस हैं। मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, ये जितने भी ब्रशेस हैं ये सारे के सारे काम आते हैं आई शेडो के लिए, जब आप आई शेडो ब्लेंड कर रहे होते हैं उसके काम आते हैं। आप इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा ब्रशेस भी हैं जो आपके इतने नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। जब भी आपके ब्रशेस सेट में इस तरीके का फ्लफी ब्रश निकल करके आता है तो इसको हम आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आपने मेरे अभी तक मेकअप के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से, जो बिगनर्स होते हैं बेसिकली जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं वो बिगनर्स फ्रेंडली होती हैं। तो जब भी आप इस तरीके का फ्लफी ब्रश देखते हैं जिसको हम आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं, और ये काफी अच्छा ब्रश है, इसको आप हमेशा आउटर वी से स्टार्ट करते हैं और इनर वी तक लेके जाते हैं एंड ब्लेंड करते हैं। बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड होता है आई मेकअप के लिए। और ये स्पेसिफिकली मुझे इन सारे ब्रशेस में से, जो भी इस ब्रशेस में आए थे आई शेडो के लिए, मुझे ये ज्यादा बेस्ट लगा और मुझे इतना ज्यादा कुछ काम के नहीं लगे ऑनेस्टली। और बट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन से ब्रशेस आप आई शेडो में यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला जो मैंने आपको बताया आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, इसके अलावा जो हमें सेंटर ऑफ द आईज में अप्लाई करना पड़ता है शिमर शेड या फिर आप कोई भी ग्लिटर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश जो कि बहुत पतला सा हो वो यूज करना होता है, तो आप सेंटर ऑफ द आईज पर अप्लाई करते हैं। अब इसके अलावा मुझे, अगर आप इन ब्रशेस की बात करते हैं तो आप कभी ग्लिटर्स जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंडर आई एरिया पर, यहाँ पर कई बार ऐसे
आ जाते हैं। तो आप इस तरीके के जो भी फ्लफी ब्रश देख रहे हैं उनको, उनसे आप डस्ट ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इतने मुझे ये दो ब्रश इतने कोई नेसेसरी नहीं लगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो और हैं ब्रशेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं। ये सारे के सारे ब्रशेस कैसे यूज कर सकते हैं आप, ये बताती हूँ मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये जो होता है क्रीज ब्रशेस होते हैं, यानी कि ये जो हमारी यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो काजल के नीचे जो लाइन होती है वहां पे आप कोई भी ब्राउन शेड लगा रहे हैं या फिर काजल को आपको स्मर्ज करना है तो आप इस तरीके के बिल्कुल छोटा सा जो ब्रश है उससे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इससे बिल्कुल पतला सा जो जेल आईलाइनर होता है उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एज अ मतलब लाइनर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इतना जो पतला सा जो ब्रश होता है उनको। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको शो करती हूँ, ये जो है ये काफी बिल्कुल पतला सा फ्लैट ब्रश है। ये अगेन आपके अंडर आई एरिया पर ही काम करेगा। आपको स्मर्ज करना है कोई सा भी कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, क्योंकि जब हम अंडर आई, हम जब भी आई शेडो लगाते हैं तो हम हमेशा काजल के नीचे ब्राउन शेड वगैरह अप्लाई करते हैं। तो आप इन सब छोटे छोटे ब्रशेस जो पतले पतले ब्रशेस होते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको इस तरीके का भी ब्रश मिलता है। अगेन ये सारे ब्रशेस एक जैसे ही हैं, आप चाहें तो इसको सेंटर ऑफ द आईज पे ग्लिटर अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो ब्रश है वो बहुत काम आएगा जब आप हाईलाइट करेंगे, जब आप आई शेडो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम हाईलाइटर यूज करते हैं, जो कि आप बिल्कुल इनर कॉर्नर पर अप्लाई करते हैं हाईलाइटर एंड ये जो ब्रो बोन होती है वहां पर। तो ये जो ब्रश होता है बिल्कुल पतला सा, ये उस चीज के काम आता है। तो यही मुझे इतने ही ब्रशेस इस जो भी इस पैकेट में जो ब्रशेस आए थे इसमें, तो मुझे ये वाले जो ब्रशेस थे वो काफी काम के लगे। सो मैंने आप लोगों को बताने की पूरा पूरा ट्राई किया है कि कौन सा ब्रश आप कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक है इस ब्रश में कि आपको इसमें लिपस्टिक के लिए ब्रश नहीं मिल रहे हैं, तो वो आप अलग से परचेज कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप इस तरीके के जो छोटे छोटे इसमें जो पतले पतले ब्रिसल्स वाले जो ब्रश आए हैं उनको भी एज अ यू नो लिप ब्रशर यूज कर सकते हैं, लिपस्टिक ब्रशेस यूज कर सकते हैं। वैसे ये काफी अच्छे ब्रशेस हैं। अगर आप बिल्कुल एफोर्डेबल ब्रशेस की सर्च में थे तो ये ब्रश आप लोगों के लिए है। आप इन्हें किसी भी साइट फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। सो आई थिंक ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था आप सबके लिए। मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया है। तो यस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।